आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमारा जो आज जो टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले, चाहे आप किसी भी ट्रेड्स हो, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस के तौर पर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे निमी पैटर्न से ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर नहीं आते एग्ज़ाम में, इसलिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए और उनके ऑप्शन को अच्छे से देखिए, उसके बाद ही राइट आंसर कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया वित्तीय साक्षरता का मतलब ये है, समझाना है कि पैसा किस प्रकार है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया, स्पेंड दिया गया है, इन्वेस्ट दिया गया है, यानी ऑप्शन डी हमारा दिया गया सभी के सभी होना चाहिए। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कौन सा जो फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेगा। आपके पास 30 सेकंड रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए, तो उसके बाद आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी वित्तीय साक्षरता का मतलब ये समझाना है कि पैसा किस प्रकार का है। देखिए सेव, स्पेंड और इन्वेस्ट ऑन ऑल ऑफ देम, यानी सभी के सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो कौन सी है, नीड्स है, वांट्स है, या लग्जरी या सेविंग है। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड देंगे, इसके बाद आपको राइट आंसर कमेंट करना। आप एग्ज़ाम देखिए ज़्यादा समय नहीं है, 7 अगस्त से आपके एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय नहीं है, जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, अगर आप यहाँ गलती कर लेते हैं उसको आप सुधार यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं उसके आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी क्या, लग्जरी यानी विलासिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह क्या है। देखिए ऑप्शन है हमारा, वांट्स दिया गया, नीड्स दिया गया, सेविंग दिया गया, एक्सपेंसेस दिया गया। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। जल्दी से कमेंट करेंगे, आपके पास 30 सेकंड हर क्वेश्चन को मिलेंगे और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से बताएं। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी नीड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, नीड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन में यहाँ दिया गया, सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है, वह 2,000 अलग रख ले देती है, वह इस पैसे का उपयोग की परिस्थिति में करे, मतलब किस परिस्थिति में करेगी, ये आपसे पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, और यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी भी आपका है यहाँ पर। तो अच्छे से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अच्छे से पढ़िए ऑप्शंस को, तो कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसको जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी कि पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या होगा, आपातकालीन स्थिति में हम जो अपने पैसा बचाया वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराए का सामान, घर का किराना और कपड़ों पर खर्च करते हैं, वह अपने खर्चों को कम करके कुछ पैसे कहाँ बचा सकती है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर हमें 30 सेकंड में कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर और वीडियो को शेयर करते चलें। अगर चैनल पर अगर पहली बार वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसको जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी का मूवीज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया सभी वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से की जाती है, किसके माध्यम से की जाती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स की यहाँ पर पूर्ति करना। ऑप्शन दिया, बैंक दिया गया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया गया, वर्क प्लेस दिया गया। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा चार ऑप्शन से।
जल्दी से बताएं सभी साथी, अच्छे से ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करिए। दोस्तों जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर, यानी बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है, देखिए कौन सा है, हॉस्पिटल होगा, बैंक होगा, या पंचायत होगा, या असेंबली होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो सभी साथी कमेंट करें और सभी को याद भी होना चाहिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, जल्दी से बताएँ। तो इसको जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, ये बैंक इसका करेक्ट आंसर है, यानी धन को अगर सुरक्षित रखना है तो हम कहाँ पर रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया, जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है तो उसको क्या कहेंगे, अगर आप कोई भी पैसा है आप थोड़ा थोड़ा करके कहीं बैंक में किसी में जमा करते हैं उसको हम क्या कह लेंगे। देखो ऑप्शन है दिया गया, आवर्ती बोलेंगे, बचत कर लेंगे, चालू खाता बोलेंगे, समावधि बोलेंगे, बताइए इसमें सटीक आंसर कौन सा होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए, तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। आपके पास देखिए 30 सेकंड दिया, हर क्वेश्चन को मैं आपको 30 सेकंड काफ़ी सोचने के लिए समय दे रहा हूँ, आप बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, आवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिएगा, आर्या एक नई कंपनी में शामिल हो गई, वे चाहते हैं कि वह एक ऑप्शन दिया बिलेंदा बैलेंस की पूर्ति करना, खाता खोले ताकि उसका वेतन जमा कर सके, तो किसमें देखिए जमा करेगी, फिक्स डिपॉजिट में करेगी या फिर रिक्वायरिंग डिपॉजिट में करेगी, सैलरी अकाउंट में या करंट अकाउंट में करेगी, किसमें करेगी, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, अच्छे से जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, कमेंट सभी करते करेंगे, कमेंट करने से आपका ही बेनिफिट है। देखिए यहाँ पर अगर गलती हो जाएगी तो आप सुधार कर लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में गलती होगी यानी एक क्वेश्चन गलत यानी दो नंबर आपके गलत, ठीक है, तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, सैलरी अकाउंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया, अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा तो ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर मान लिया आप किसी बैंक में अगर आपने पैसा जमा किया, ज़्यादा समय हो गया, तो आप उसके पिछले रिकॉर्ड को अगर देखना चाहते हैं तो किसके द्वारा दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन दिया, पासबुक दिया गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, किसके द्वारा, तो सही आंसर कमेंट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर, 30 सेकंड दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पासबुक, अगर आप अपने पुराना लेन देन अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो किसके द्वारा देख सकते हैं, पासबुक के जरिए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया, ऑनलाइन जो बैंकिंग को कहा जाता है, अगर आप ऑनलाइन जो बैंकिंग कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, होम बैंकिंग कहेंगे या फिर ऑफिस बैंकिंग कहेंगे, नेट बैंकिंग या सेल्फ बैंकिंग, तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी भी कमेंट करते चलिए फटाफट। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी कि नेट बैंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लें नेट बैंकिंग। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वित्तीय लेनदेन को हो सकता है, वित्तीय लेनदेन में हो सकता है, देखिए लेनदेन बैलेंस की आपको पूर्ति करना, करेक्ट, ऋण, कॉइन या कैश, कूपन, ऑप्शन डी हमारा देगा डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो इसमें से सही और सटीक आपको आंसर बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से बताएं अच्छे से कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा, डिजिटल लेन देन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िएगा जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, देखकर ही आप राइट आंसर बताना। देख क्वेश्चन में यहाँ दिया गया, दिशा अपने ऋण खाते में पैसे का भुगतान करना चाहती है, वह बैंक जाए बिना ऐसा कैसे कर सकती है, देखिए ऑप्शन दिया गया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र दिया गया, ओपन बैंक अकाउंट दिया गया, क्लोज अकाउंट दिया गया,
विदड्रॉ फ्रॉम एटीएम दिया गया। तो आप इसमें से सटीक आंसर बताएंगे कौन सा होगा चार ऑप्शन में से, तो कमेंट करिए सभी साथी। 30 सेकेंड है, अच्छे से ऑप्शंस को एक बार पढ़िएगा और राइट आंसर कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन दिया है, इंदू ने वेबसाइट से अपना ऑनलाइन टिकट रेलवे का जो है और रेलवे का जो है ऑनलाइन टिकट किया और बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान किया, तो वह किस प्रकार का लेन देन कहा जाएगा। मान लिया अगर आपने रेलवे का टिकट किया है और ऑनलाइन किया है तो ये किस प्रकार का ट्रांजेक्शन होगा, दिया आपको बताना। देखिए ऑप्शन है, कैश पेमेंट होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा, या अमाउंट होगा, या क्रेडिट होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करेंगे। 30 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन के लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो भी करेगा साथी, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये एक डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दिया, रवि खरीदारी करने निकला लेकिन वह अपना बटुआ ले जाना भूल गया, वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई पर्स है, वो आप घर भूल गए हैं, तो आप उसका ट्रांजेक्शन किसके ज़रिए कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन है, डिजिटल वॉलेट के ज़रिए, लोन के ज़रिए, क्रेडिट के ज़रिए, बैंकिंग के ज़रिए। तो किसके ज़रिए कर सकते हैं, तो कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये तो सभी को याद भी होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताएँ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजकल देख रहे हैं आप जितना डिजिटल वॉलेट के ज़रिए जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, आजकल बटुआ रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑनलाइन डिजिटल के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना के माध्यम से की जाती है, मतलब नेट बैंकिंग है कंप्यूटर किसके माध्यम, फ़ोन के माध्यम से, फ्रेंड के माध्यम से, कैशियर के माध्यम से, वेबसाइट के जरिए, किसके जरिए करेंगे। तो ऑप्शन से बताना आपको इसमें से राइट कौन सा होगा, करेक्ट आपको करेक्ट आंसर कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, है वेबसाइट इसका जो नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर अगर माध्यम से, कंप्यूटर के अगर माध्यम से करना है तो वेबसाइट के जरिए होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्टफोन पर हम के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं ये पूछा गया। वेबसाइट दिया गया, मोबाइल ऐप दिया गया, IFSC दिया गया, IFSC दिया गया, और बैंक। तो मोबाइल के, स्मार्टफोन के माध्यम से अगर आप मोबाइल के माध्यम से अगर मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं तो किसके ज़रिए करेंगे। तो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपके पास 30 सेकेंड्स दिए गए क्वेश्चन को राइट आंसर कमेंट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी मोबाइल ऐप इसका राइट आंसर है। अगर मोबाइल के माध्यम से अगर बैंकिंग करना है तो किसके तरह से, ऑप्शन नंबर बी एन मोबाइल ऐप के माध्यम से इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया, हम नेट बैंकिंग का उपयोग के लिए कर सकते हैं, जो नेट बैंकिंग है किसके लिए उपयोग करें। देखिए ऑप्शन यहाँ पर कई दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करिए। देखो चेकिंग दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, ट्रांसफ़र फंड्स दिया गया, पे बिल्स दिया गया, यानी ऑल ऑफ देम भी दिया गया, तो सभी का सभी भी हो ना सकता है। बताइए इसका कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना, कमेंट करिएगा जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी की जो तीनों के तीनों दिए गए हैं ट्रांजेक्शन्स जो दिए गए हैं, चेकिंग जो स्टेटमेंट दिया गया, ट्रांसफ़र फंड दिया गया, और पे बिल्स, ये सभी के सभी आप नेट बैंकिंग का उपयोग करके अब इनका पेमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया, जन्नू ने अपने दोस्त के लैपटॉप का उपयोग करके अपने बैंक में लॉगिन किया, उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, यहाँ पर क्या करेगा, देखो लॉगिन दिया गया, लॉगआउट दिया गया, लीव द पेज दिया गया, कीप लॉग्ड इन दिया गया। तो इसमें से सही आपको बताना कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स से आपका ही यहाँ पर बेनिफिट है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से।
तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा हुआ ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हुआ। अगर आपने किसी के लैपटॉप में या कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में अपनी आईडी को अगर खोला है तो आप क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लॉग आउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया। ठीक है, उसे अपना किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। देखो फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना करेक्ट, आपके पास चार ऑप्शन, पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए, एम पी जो पिन है वो, ओटीपी या सभी के सभी। तो इसमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए भी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब प्रगति अपने अगर मोबाइल बैंक पर डाउनलोड ऐप किया है तो वो क्या साझा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, क्या नहीं साझा करें, एक तो पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए, एमपी जो इन होता है यानी एक ये भी एक पासवर्ड का होता है, और ओटीपी, ये तीन चीज़ें कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, मोबाइल डिवाइस का उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप है, तो मोबाइल डिवाइस से अगर आपको भुगतान करना तो उस ऐप का आपको नाम बताना। देखो ऑप्शन दिया गया, डिजिटल वॉलेट दिया, क्रेडिट कार्ड दिया गया, ऐप दिया गया, और यहाँ पर डिपॉजिट्स दिया गया। तो सही आंसर कमेंट करना है, और ये तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट करिए सभी साथी, और वीडियो को ज़रूर शेयर करते ना करना, और चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार बैठे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो अगला हमारा जिसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी कि डिजिटल वॉलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्या पूछा, नॉट मतलब नहीं का पूछा, नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, गूगल पे दिया गया, पेटीएम दिया गया, भीम यूपीआई दिया गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया गया। तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, कमेंट करिएगा, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गूगल पे जो हमारा ये भी क्या है, एक डिजिटल वॉलेट है, और पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट है, और भीम जो यूपीआई ये भी एक डिजिटल, लेकिन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, ये हमारा एक विंडो टाइप का एक इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसमें हम वेबसाइट वगैरह किसी भी चीज़ को खोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया एक वर्गाकार काला और सफ़ेद रंग कोड जिसे कैमरा में से स्कैन किया जा सकता है वह क्या है। तो देखिए ऑप्शन हमारा दिया गया, क्यूआर कोड है, पासवर्ड है, लॉगिन है, या यूज़र आईडी है। तो आपने देखा भी होगा एक वर्गाकार काला और एक सफ़ेद जो कोड जिसे कैमरे में स्कैन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर अच्छे से कमेंट करिएगा, समझ जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इम्पोर्टेंट भी है, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा, क्यूआर कोड। आपने देखा होगा जब आप कहीं मॉल या शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर एक स्कैनर रहता है, वो क्या करता है, उस चीज़ को स्कैन करता है, जो बार कोड दिखा रहता है उसको कहते हैं बार कोड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया, बैंक अवकाश के दिन साहब द्वारा धन हस्तांतरण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन है, भीम ऐप के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, बैंक डिपॉजिट, या मनी ट्रांसफ़र। इसमें से आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करिए। इसमें दिया गया बैंक अवकाश मतलब छुट्टी के दिन धन हस्तांतरण के लिए इनमें से कौन सी विधि नहीं की जा सकती, ये आपको बताना है, नहीं किया सकता। तो इसको जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बैंक को हम जमा यानी बैंक डिपॉजिट नहीं कर सकते छुट्टी के दिन, अगर आप छुट्टी के दिन पैसे जमा करने जाओगे तो आप वहाँ पैसा जमा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, सैम ने एक
नई दुकान खोली, वह अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए इनमें से किस तरीके का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मनी ऑर्डर दिया गया, QR कोड दिया गया, लोन दिया गया और बैंक डिपॉजिट दिया गया। तो इसमें से आपको कमेंट करना, चार ऑप्शन से जो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए वो आपको बताना। जल्दी से कमेंट करें सभी। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, सेम है, सेम ने मान लिया आप ही कोई एक नई दुकान खोली और उसका खाते में भुगतान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या, अगर आजकल सभी डिजिटल हो गया तो आप क्या करेंगे, एक QR कोड दे देंगे जिससे कि आपका बैंक में खाते में सीधा पेमेंट प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो हमारे 25 क्वेश्चन हुए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इसमें कितना स्क्वायर हुआ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।